हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 3, इसकी एक्सरसाइज 3.3 का हमने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 3rd है इसके 3 पार्ट्स आपको प्रोवाइड करा दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट, इसमें क्वेश्चन 3rd को कंप्लीट करेंगे, यानी 4th, 5th और 6th पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आ जाइए बच्चों, 3rd का 4th पार्ट देखते हैं। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़ एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। वॉट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हाउ मच डज अ पर्सन हैव अ टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ओके, समझ लीजिएगा, एक टैक्सी है उसका फिक्स चार्ज दिया हुआ है और चार्ज पर किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसको हमें लेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझते जाएं कि फिक्स्ड मान क्या होता है, जो फिक्स किराया है वो कितना दिया है टैक्सी का, एक्स रुपये, और 1 किलोमीटर का दिया है 22 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स प्लस कितना दिया है ये 10 किलोमीटर, तो 10 बाई, 1 किलोमीटर का बाई 10 किलोमीटर का 10 बाई इक्वल्स टू 105 रुपीज़, इक्वेशन नंबर 1st। एंड क्या इक्वेशन बनेगा आपका, एक्स प्लस 15 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 15 बाई इक्वल्स टू 155। ओके, इक्वेशन नंबर 2nd। अब ये आपको बोल रखा है कि हमें सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। चलिए आ जाइए, यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1st, एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई, ये एक्स की वैल्यू होगी बेटा, 3rd डाल दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 3rd। ओके, अब लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2nd। ओके, ये जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा 2nd इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करना हूँ, 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई इक्वल्स टू 155। ओके, आप समझिए आगे, 10 बाई लिखा है माइनस का, 15 बाई लिखा है किसका बेटा, प्लस का, तो
तो 15 में से 10 निकाल दीजिए, 15 में से 10 गया, 5 बाई आ गया, इक्वल्स टू 155 माइनस, ये आपका है 105, कितना आ गया बेटा, 5 बाई इक्वल्स टू कितना हुआ, माइनस कर दीजिएगा 50, यहाँ से निकालिएगा, बाई इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 50 डिवाइड बाई 5, ओके 5 10 जा 50, कितना आ गया, ये बाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बाई इक्वल्स टू आ गया 10। अब बाई की जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन नंबर 3, ओके देखिए तो 3rd इक्वेशन क्या है, एक्स की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, ओके तो कितना हुआ बेटा, 105 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी कितना निकल के आ गया आपका बेटा 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, हैंस द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू 5 एंड द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू ₹10, ओके कितना आ गया 10। अब देखिए क्वेश्चन में क्या, ये तो आंसर हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर का चार्ज पूछ रहा है ट्रैवलिंग, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग, सो यहाँ लिखोगे चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, तो कितना आएगा बेटा टोटल, एक्स प्लस 25 बाई ये चार्ज आएगा, ओके यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो कितना आ गया बेटा 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करिए 5 प्लस 250 यानी कितना चार्ज आ गया 255, ओके दिस इज़ माय राइट आंसर, यानी जो स्टूडेंट्स वो जो ट्रैवलिंग में पर्सन को पे करना पड़ेगा वो टोटल कितना करने है 25 किलोमीटर पर, उसे 255 रुपीस पे करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 का 4th पार्ट कंप्लीट होता है, क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें, ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th पार्ट, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd का ये 5th पार्ट है, क्या है बेटा, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन, हिंदी वाले भी समझिएगा, अगर कोई भी फ्रैक्शन आप ली तो उसके अगर हम अंश और हर में 2 जोड़ दें तो इतना मिलता है हमें, अंश और हर में 3 जोड़ने पर ये फ्रैक्शन मिलेगा, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन लेट कर लें, लेट बी द फ्रैक्शन
इज एक्स अपॉन वाई. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बोल रहा है? टू ऐड करना है, तो एक्स प्लस टू वाई प्लस टू बी फाइंड 9/11, यानी हमें ये फ्रैक्शन मिल जाता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ से इसका 11 का x में 11 है x, यानी कैची का गुणा कर लो बेटा, 11 का इसमें 11 का 2 में 11 टू या 22, 9 का इसमें करिए 9y प्लस 9 टू या 18, सेपरेट करके इक्वेशन बना लीजिए, 11 है x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22. ये वाला 9 इधर लेके आएंगे माइनस हो गया, ये माइनस का 22 इधर भेज दिया. ओके, तो 11 एक्स माइनस 9y इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस कर दो तो माइनस का 4 आ गया. इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो इसे. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखाई है, एंड क्या दिया हुआ है, सेकंड में 3 ऐड करना है, एक्स प्लस 3 और y प्लस 3 कितना बन रहा है फ्रैक्शन 5/6. इसको भी मल्टीप्लाई करिए, 6 का x में किया 6x प्लस 18 5y प्लस 15. ये कैची का गुणा करना आता है आपको, इसका इसमें भी करोगे, इसका इसमें भी, दोनों में करना पड़ता है. 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18, ये आ गया 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को. देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट भी ले सकते हैं सेकंड भी, चलिए मैं सेकंड से कर दे रहा हूँ. सब्स्टिट्यूटिंग मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए. तो ये 6x लिखा हुआ है इक्वल्स टू, इधर जाएगा ये 5y प्लस का हो गया और ये माइनस 3. ओके, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 5y माइनस 3 और ये नीचे 6 आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दीजिए इसे. ओके बेटा, आप देखिए इसको क्या करना होगा, ये वैल्यू रिप्लेस करनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. ओके, फर्स्ट में रखिएगा, फर्स्ट में रखते हैं इसको, तो 11 ब्रैकेट में लिखो, ये 11x लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू है 5y माइनस 3 अपॉन 6. ओके, माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4. अब देखो ये 6 नीचे लिखा है, इसको हटाना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 6, यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, देखो 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया 11, इसका इसमें कर दो 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33 माइनस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करो 9 6 जा 54y इक्वल्स टू 6 का इसमें करो 24 ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड पे करना होता है, ये ध्यान रखोगे बेटा. ठीक है, अब देखिए इसमें सेपरेट द वेरिएबल्स, 55y में से 54y तो y आ गया ओनली. ओके, ये देखो माइनस का 33 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 33 और ये माइनस का 24 तो लिखा ही हुआ है इधर. यहाँ से देखो y की वैल्यू 33 में से इसे माइनस करो, ठीक है 9. ओके, कितना आ गया बेटा y इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू कितनी मिली हमें 9. अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड,
अब थर्ड में इसको पुट कर दीजिए वैल्यू को। चलिए देखिए, तो जब इसको पुट करते हैं तो x इक्वल टू 5 × 9 -3 अपॉन 6, 5 9 = 45 -3 = 6, 42 upon 6, 6 7 = 42, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। नाउ हमें चाहिए क्या, फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई था, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 9, 7 upon 9, दिस इज माई राइट आंसर। स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट भी कम्प्लीट होता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, अदरवाइज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, YC Classes by DS। सर देखते हैं थर्ड का लास्ट पार्ट यानी 6th पार्ट। देखिए थर्ड का 6th पार्ट है ये, 5 years हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। 5 years है वो, जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, वॉट इज द देयर प्रेजेंट एज। तो जेकब और उसके डैड फादर उसके बेटे की हमें क्या करना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छे से समझा करें, क्योंकि एज माने उम्र होती है। तो हम लेट कर लेंगे, माना या लेट कर लें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स ईयर एंड हिज सन बाई ईयर। ओके, हमने ये लेट कर लिया। आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, कि हैंस लिखा हुआ है यानी बाद में 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 years बाद। तो 5 years में इसमें क्या होगा, जो जैकब की उम्र होगी एक्स प्लस 5 हो जाएगी, और 5 years इसकी भी बढ़ जाएगी बेटे की, 5 by + 5। बट वो कह रहा है 3 times, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स प्लस 5 = 3y + 3 = 15। यहाँ से देखिए इक्वेशन बनेगा, एक्स माइनस 3y = 15 - 5, तो ये आ गया एक्स माइनस 3y = 10, इक्वेशन नंबर 1। देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या कंडीशन है बेटा, 5 years एगो पहले, तो x - 5 = 7 times ऑफ बाई माइनस 5। तो x माइनस 5 7y - 35, तो x माइनस 7y = -35 + 5, इक्वेशन निकल के आ गया x - 7y = -30, इक्वेशन नंबर 2। ओके, इनको हमें सॉल्व करना है बाई सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ओके, चलिए देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके एक्स इक्वल्स टू आ गया 10 + 3y, इक्वेशन इसको 3rd लेट कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। ओके, देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, 10 + 3y - 7y = -30, तो ये -4y आ गया। देखिए 3 में से 7 निकालोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, -30 और -10। ओके, ये आ गया -4y = -40, तो ये y = यहाँ से कितना निकलेगा बेटा,
माइनस 40 अपॉन माइनस 10 4 4 10 जा 40 तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा y इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 10 ओके अब देखिए समझिएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड ओके थर्ड में क्या लिखा है बेटा x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 40 ओके तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40 हैंस क्या लिख देंगे हम प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x था 40 इयर्स ओके एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन इक्वल टू 10 इयर्स ओके दिस इज माय राइट आंसर दोनों की प्रेजेंट एज मिल गई हमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो कुछ भी तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें बाईसी क्लासेस बाई DS सर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो